Hi guys, welcome to Maharashtra Law CET 3 years 2022 60 days preparation planning video. So exam date is been out, that is nothing but 7th and 8th of June. Okay, so as of now March is about to end, तो April है अपने पास, May है and June. तो June को तो पहले साइड में कर दो, 7-8 days है तो वो रिविज़न में जाएगा आपका और लास्ट मोमेंट पे हम थोड़ा मॉक पे वर्कआउट करेंगे जो, तो जून को साइड कर दो. तो अपने पास अप्रैल है और मई है 30 डेज. सो ओवरऑल 60 डेज वी हैव इन हैंड फॉर आवर प्रिपरेशन. सो ये 60 डेज में क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे वर्कआउट करना है, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, ऑल दिस थिंग आई विल बी टॉकिंग. सो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा एंड काफ़ी हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो. सो ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को जितने लोग लॉ सीटी 3 ईयर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं एंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर दी top law colleges like GLC Mumbai, ILS Pune or any other law colleges. Alright, so since the date is out, pressure और panicness दोनों increase हो रहा है. So for that we require motivation और motivation आपको topper से best motivation कुछ भी नहीं है. So toppers के podcast available है YouTube video channel पे. You can watch all the toppers podcast and you can understand from them how they had strategized their preparation और जो problems आई थी तो उन्होंने कैसे tackle किया था. तो सारे जो toppers हैं इधर दे आर इंटू GLC मुंबई, ILS पुणे कॉलेजेस, तो उनके एक्सपीरियंस से यू विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स. तो अभी मोटिवेशन लगेगा तो टॉपर्स के पॉडकास्ट से बेटर मोटिवेशन कुछ भी नहीं है. तो डू वॉच ऑल दी टॉपर्स पॉडकास्ट. And with regards to your preparation at Manoeuvre we have launched क्रैश कोर्स बैच. So first week of April से बैच चालू हो रही है. So you can join the batches. So to join the batches, classroom or the live, you can contact our team on this number. Live के लिए ये number पे call कर लो and classroom के लिए if you are Mumbai based, so Dadar, Borivali and Vasai, so all these center you can visit and this will be the complete curriculum for your preparation part. So agenda बहुत clear है अपने को, top law colleges target करना है. Competition पे भी CDSL ने stats share किया हुआ है जिसके अंदर 68,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 68,000 प्लस, और जो एडमिशन मिला है वो 17,000 अप्रॉक्सीमेट लोगों को मिला हुआ है. मतलब 3/4 ऑफ पीपल हैव नॉट गॉट द एडमिशन. मतलब सो रफली 50,000 के आसपास कैंडिडेट है, स्टूडेंट है जिनको एडमिशन नहीं मिला है क्योंकि सीटी नहीं है. तो इस साल इसलिए CDSL ने बहुत क्लियरली किया हुआ है कि भाई जो भी आप प्रिपरेशन करो बहुत अच्छे से करो, अच्छा स्कोर परफॉर्म करो सो दैट आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन मिले. ओके, सो दैट्स वाई वी कीप ऑन सेइंग यू, वी केयर अबाउट यू. मार्केट में और भी कोई केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट एट Manoeuvre वी केयर वेदर यू आर Manoeuvre स्टूडेंट और नॉट Manoeuvre स्टूडेंट. वी केयर अबाउट योर स्कोर, अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर वीकनेस, स्ट्रेंथ, हाउ टू गेट इनटू द एडमिशन पार्ट. सो विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस रिगार्ड्स वी केयर एंड वी गाइड यू, वी मेंटर यू. And at Manoeuvre all the faculty write the exam every year. This year also I am writing CET. So 2017 से मैं CET लिख रहा हूँ, तो जितना भी एक्सपीरियंस CET लिख के आया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको आपके सेशन में, आपके मेंटरशिप में, आपको मॉक में, आपके टीचिंग करिकुलम में, जीके में, इस सब में आपको मिलेगी. ठीक है ना. सो लेट्स टॉक अबाउट दी टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अपने को पहले टेम्परेचर चेक करना है. टेम्परेचर चेक का मतलब है कि भाई आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है और कैसे आगे वर्कआउट करना है. तो इंग्लिश में अगर आपको रीडिंग करना बेकार लगता है, रीडिंग करना यू डोंट लाइक, तो अपनी ये प्रॉब्लम है. सो रीडिंग यू हैव टू इम्प्रूव द रीडिंग. दिस इज़ व्हाट दैट आई मीन टू से टेम्परेचर, कि आपको जो जो स्ट्रेंथ है आपकी, जो जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. लॉजिक, व्हेन इट्स कम टू द लॉजिक, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना लॉजिक में कैसा लग रहा है आपको, मतलब शॉर्टकट समझ में आ रहा है कि नहीं, एनालिटिकल पजल पे आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो जा रहे हो. आइडली ये वो ऐसा एरिया जहाँ पे मैक्सिमम पीपल गिव अप, क्रिटिकल समझ में ही नहीं आ रहा है और बहुत सारे लोग क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ भी देते हैं. तो एट Manoeuvre दैट इज़ वाई आई ओनली टेक क्रिटिकल रीजनिंग सेशन. तो लॉजिक में क्या हाल है, जीके पूरी तरह से लॉस्ट तो नहीं हो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो वो नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ वाई द मेंटरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लीगल में यार मेरा लीगल बैकग्राउंड नहीं है तो लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के सेक्शन को कैसे डील करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉगल थ्रू ऑल दिस एरिया, ऑल दिस सेक्शन, एंड एक अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी. ओके आई एम गुड इन इंग्लिश, ओके आई एम गुड इन लॉजिक या तो फिर जीके, और कौन से एरिया पे मुझे काम करने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू वेरी फर्स्ट. और इट्स फ्रॉम डे वन, द डे यू आर वाचिंग माय दिस वीडियो, आज देख रहे हो या तो फिर आप 10 दिन के बाद देख रहे हो या एक महीने के बाद देख रहे हो ये मेरा वीडियो, आज से ही आपको ये सारे एरिया पर काम करना चालू कर देना है. न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, जीके रीडिंग, प्लस 1 RC, ग्रामर रूल. ठीक है, बिकॉज जीके और इंग्लिश ये आपको डे वन से हंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका वेटेज 90 मार्क्स का है, 50 आपका इंग्लिश है, 40 आपका जीके है, तो ओवरऑल जो है ये कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट 90 मार्क्स का। एंड दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर पीपल फ्लंग टू स्कोर गुड मार्क्स, नहीं होता है, या तो मराठी हिंदी मीडियम से हो, वर्नाकुलर मीडियम से हो आप, कोई भी अलग अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, तो फिर इंग्लिश में मार्क्स नहीं आता बिकॉज आरसी पैराग्राफ इतना बड़ा बड़ा होगा आपका, रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम के अंदर आपको पैराग्राफ रीड करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ग्रामर रूल नहीं समझ में आ रहा है, या तो फिर पैराग्राफ जंबल वाले क्वेश्चंस आ गए जहाँ पे लॉजिक भी है और इंग्लिश भी है। तो दैट इज़ वाई डे वन से न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने ऑल टाइम एडवाइस किया हुआ है, द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ो, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, जीके भी वहाँ प्रिपेयर होगा एंड एडिटोरियल पेज। जीके पोर्टल, सो व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स आपको वीडियो का, लेक्चर का एक्सेस, हैंडआउट्स का एक्सेस, ई बुक्स और मॉक, सारे एक्सेस मिल जाएंगे। आपके जीके स्टैटिक जीके के सारे वीडियोस हैं, स्टैटिक में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारे वीडियो देख के फिनिश करो, एंड करंट अफेयर्स के भी मंथ वाइज वीडियोस हैं, वो स्टार्ट करो। तो आपका एग्ज़ाम जून में है, तो मई 2021 से लेके मई 2022 तक, या तो फिर अप्रैल 2022 तक का भी डेटा गो थ्रू करोगे तो चलेगा। तो आइडली आपको एक साल तक का डेटा गो थ्रू करना है करंट अफेयर्स को लेके, और स्टैटिक तो आज से ही चालू कर दो यार। हिस्ट्री आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हो गया, ज्योग्राफी हो गया है ना, उसके बाद साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हो गए, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से लास्ट ईयर भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसके हैंडआउट्स भी है, वीडियोस भी है, उसको गो थ्रू करना चालू करो। दैट इज़ वाई वंस टू ज्वाइन द क्रैश कोर्स काइंडली टेक द एक्सेस ऑफ ऑल दिस टूल्स गाइस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वेट मत करो कि बैच चालू होगी उसके बाद मैं आराम से प्रिपरेशन चालू करूँगा, अभी टाइम नहीं है, है ना। इस साल जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो 70,000 प्लस लोग लिखने वाले हैं, और मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि सीट कितनी कम मिले, बहुत लोग को एडमिशन नहीं मिला हुआ है, या तो वो रिपीट करने वाले हैं इस साल, या तो फिर कोई भी दूसरे कॉलेज में एडमिशन, या तो फिर गिव अप, ये 3 चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। सो क्रैश कोर्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर। इन एडिशन टू दैट अगर नॉवेल रीड करने की हैबिट है तो यू कैन रीड द नॉवेल्स और स्टोरी बुक जस्ट टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, मतलब वो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। सो नॉवेल विल क्रिएट योर इंटरेस्ट इन रीडिंग पार्ट, जो भी नॉवेल आपको अच्छी लगती है, या तो फिर आप बेसिक इंग्लिश की स्टोरी वाली बुक आती है ना स्कूल में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो वहाँ से चालू करो, बट रीडिंग एटलीस्ट उसमें कमांड पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक आरसी डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, आपके मैन्योर के ई बुक्स में भी आरसी है और आपके पोर्टल पे हैंडआउट्स में भी आरसी है। ग्रामर रूल तो आपका पूरा पोर्टल पे रूल्स का 100 रूल्स का PDF दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करो, यू कैन स्टार्ट गोइंग थ्रू इट एंड यू हैव टू वॉच द ऑल द इंग्लिश वीडियोज़। तो इंग्लिश तो पूरा फिनिश करो, मैं आगे गाइड करने वाला हूँ पूरा सिलेबस वाइज कि क्या करेंगे। तो एजेंडा अपना बहुत क्लियर होना चाहिए, या तो मैं टॉप मारने वाला हूँ CET में, या तो मैं 120 प्लस का स्कोर लेके आऊँगा, इससे नीचे मुझे सोचना ही नहीं है, है ना। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा करेंगे हम, और वी विल बी नियर टू आवर गोल। तो बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एज आई मेंशन अर्लियर 68,000 लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, रजिस्टर किया था, एडमिशन मिला है 70,000 लोगों को। ये अभी डेटा 2-3 डेज़ बिफोर CDSL ने रिलीज़ किया हुआ है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। सो 1/4 लोगों को एडमिशन मिला हुआ है, ठीक है ना, इतने लोगों को एडमिशन मिला है, और 3/4 लोगों को एडमिशन नहीं मिला हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास लोगों को एडमिशन नहीं मिला है। ये सिचुएशन है, दैट इज़ व्हाई वी आर बॉदर्ड एंड वी केयर अबाउट यू कि आपका एटलीस्ट एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके लिए स्कोर लगेगा अपने को, तो ये सोचना पड़ेगा। ये माइंडसेट जब तक लेके नहीं आओगे तब तक प्रिपरेशन डिफिकल्ट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल सिलेबस, क्या क्या चालू कर देना है आपको। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश प्रिपरेशन वाइज सिलेबस को लेकर के। ये आपको वीडियोस प्लस हैंडआउट्स आपके मैन्योर के पोर्टल पे हैं, काइंडली स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। इंग्लिश आपको पूरा देख के ख़त्म कर देना है वीडियोस, डोंट वेट, बिकॉज आई फील नो एनी फैकल्टी कैन टीच यू इंग्लिश, यू आर योर ओन फैकल्टी। ओके, सो और कॉम्प्रिहेंशन आरसी के आपके आराम से 10 क्वेश्चन और पैराग्राफ जंबल। तो ये वाला सेक्शन जो है इसका ब्रेकअप आपका अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए है, ठीक है, और ये वाला सेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स के लिए है, और ये वाला सेक्शन जो है 20 मार्क्स के लिए है। ये रफ ब्रेकअप में दे रहा हूँ 50 का। ओके, इसके अंदर आपका स्पेल चेक, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके। तो इंग्लिश के लिए ग्रामर तो मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, और न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो तो आपका सब कुछ कवर हो रहा है। ओके, ग्रामर, आरसी, वोकैब, और वो कैप करने का भी टाइम नहीं है। तो वर्ड पावर मेड इजी मैं बुक रिकमेंड करता हूँ, बट 2 महीना है, डिफिकल्ट होगा। सो आपके मैन्यूअल के बुक में जितने भी वो कैप दिए हुए वो गो थ्रू करो, और जब भी आप न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो आपको डेली बेसिस पर नए वो कैप मिलेंगे, वही वो कैप रिपीट होंगे द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में। तो उसको जॉट डाउन करो, डेली बेसिस को गो थ्रू करना चालू करो। इंग्लिश में इतना काम अपने को करना है, ठीक है। और बाकी जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट लिखो। इंग्लिश में अगर आपको डेटा रीड करके समझ में आ रहा है ना, तो आप अच्छा स्कोर ला सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। बट अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इंग्लिश में आपको इतना काम करना है अभी के लिए। इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं कंप्लीट टाइम टेबल भी दे दूँगा कैसे और प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ों पे वर्क करना चालू करो। लॉजिक को लेकर के आपका जो इम्पोर्टेंट एरिया वो है ट्रेडिशनल लॉजिक, जिसके अंदर आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। अगर ये आता है आपको तो आपका टाइम बचने वाला है लॉजिक में, बिकॉज आप जितनी मर्जी लगा लो आपका ये वाला जो एरिया है वो टाइम डिमांड करेगा ही करेगा, यहाँ टाइम लगने वाला है। सो इसको लेकर सारे अरेंजमेंट पजल्स यू विल बी डूइंग इन योर लाइव क्लास और द क्लासरूम इफ़ यू हैव ज्वाइन एनी ऑफ द प्रोग्राम। एंड फॉर द एनालिटिकल जो कि 60 से 70% जनता छोड़ देती है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम यह है कि जो पेपर सेटर सोच रहा है जो आप सोच रहे हो वो हमेशा इनलाइन नहीं होगा, इसीलिए रॉन्ग होने का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, कीवर्ड्स पे खेलने आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले एरिया को लेकर के, क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, सो लॉजिक विल नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। लॉजिक में हम जो चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, उतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, टेस्ट लिख लेना है, सॉर्टेड है। बट प्रॉब्लम इंग्लिश और जीके में हर साल होती है, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू केयरफुल अबाउट दीज टू एरिया। जीके एंड इंग्लिश को लेकर के यू नीड टू बी केयरफुल। जीके में आपको स्टैटिक को लेकर सारे वीडियोस और हैंडआउट्स आपके मैन्यूअर के पोर्टल पे, स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। करंट अफेयर्स को लेकर के सारे हैंडआउट्स भी है और मंथली हैंडआउट्स और आपका वीडियोस भी है, और बूस्टर्स भी दिया हुआ है इसके अंदर 1000 क्वेश्चन का, 2000 क्वेश्चन का। बिजनेस जीके को लेकर भी देयर आर द हैंडआउट्स, सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस जीके मटेरियल। तो जीके में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आई होप ये आपको क्लियर है कि भाई कैसे पढ़ना है, क्या करना है इनफैक्ट फॉर द जीके। ओके, लास्टली लीगल एप्टीट्यूड। तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एरिया, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं कि आपको लॉ का नॉलेज एकदम डिटेल में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। दे विल टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन मैगजिम्स को लेकर के क्वेश्चंस विल बी देयर। मेजरली सीईटी जब भी होता था फैक्ट एंड प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि अलग लीगल एप्टीट्यूड वाले भी क्वेश्चन आ गए थे रीजनिंग के साथ। ओके, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस एरिया। ये इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्कोरिंग एरिया है, बिकॉज लॉ के एंट्रेंस में साइंस स्टूडेंट भी लिखता है, कॉमर्स और आर्ट्स। तो पेपर जो आपका है वो इस तरह से बनता है कि एनी स्ट्रीम स्टूडेंट कैन मैनेज दिस एरिया, मैनेज दिस सेक्शन। सो गाइज, दिस इज द हाई टाइम टू आइसोलेट योर सेल्फ, ओके, विथ रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ई बुक्स जो भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज मेंटरशिप। सो इनिशियली वॉट एवर सेशन वी टेक, जैसे कि फर्स्ट सेशन हमारे मेरा खुद का सेशन होता है ओवरव्यू का, स्ट्रैटेजी का, देन जीके के स्ट्रैटेजी सेशन होते हैं, वो चीज़ को आपको फॉलो करना है। इन एडिशन टू दिस यू गेट द प्रॉपर मेंटर ऑल्सो, तो जहाँ पे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। एक ग्रुप स्टडी, हेल्थी स्टडी होती है, मतलब अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो GLC ILS फॉर श्योर आपको मिलने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट यू शुड बी प्रिपेयर इनफ टू डू द हार्ड वर्क। सो टुडे ओनली राइट द फर्स्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रोग्राम लॉन्च हो गया है, सो फर्स्ट मॉक लिखो एंड सी व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप। तो 5 जंबल 10 आपका जो सेक्शन वाला पैटर्न है वो, और सेक्शनल प्रोग्राम वी हैव लॉन्च एट मैन्यूअर, एंड टॉपिक टेस्ट तो आपके है ही। तो पहला मॉक लिखो और बताओ क्या स्कोर आ रहा है आपका, है ना। तो अभी आइसोलेट कर लो अपने आप को CET की प्रिपरेशन को लेकर, मतलब सो रहे हो तो भी CET, जाग रहे हो तो भी CET। आपके जो बेडरूम वॉल है वहाँ पर पूरा स्टिक कर दो, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, टारगेट क्या लाना है एंड कौन से कॉलेज को जाना है। सो दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम यू हैव टू क्रिएट अराउंड यू। सो इफ यू क्रिएट सच अ इकोसिस्टम तो वाइब्स भी उतनी पॉजिटिव आएगी, सिलेक्शन के चांसेस और स्कोप उतना ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सो क्रैश कोर्स के अंदर ये आपका स्टेप्स फॉलो होगा, ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। सो पहले तो वीडियो लेक्चर्स का है, ई बुक का, मॉक का, सारा का एक्सेस ले लो। बिफोर यू कम फॉर द क्लास आपको वीडियो लेक्चर डैशबोर्ड से देख के आने हैं, फिर ऑनलाइन लाइव, या तो फिर आपने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है बोरीवली, दादर और वसई, तो लेक्चर अटेंड करने हैं आपको फिर प्रॉपरली। तो प्री वर्क अपना ज़्यादा अच्छे से होगा तो लेक्चर वगैरह अच्छे से समझेंगे आपको, फिर बुक से प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन, और फिर इवेल्युएट करना अपने आप को कि कितना मेरा स्कोर आ रहा है और कितना मुझे समझा, ठीक है। दिस विल बी द कम्प्लीट करिकुलम फॉर योर प्रिपरेशन। सो ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर दी क्रैश कोर्स प्रोग्राम। सो गाइस सीईटी में वंस अगेन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइम मैनेजमेंट। सीईटी का एग्जाम आपका टाइम मैनेजमेंट वाला है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ गया सो आराम से आप अच्छा स्कोर ला सकते हो, आप टॉप भी मार सकते हो। यही एक बिग प्रॉब्लम है और आपको समझना होगा कि जीके और इंग्लिश हमेशा गेम चेंजर हर साल होते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज योरसेल्फ। स्ट्रैटेजी, मेंटरशिप, गाइडेंस, वो सब वी विल बी गिविंग यू। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। ओके, सो 2022 का लेकर के क्रैश कोर्स तो लॉन्च है ही और 23 की भी बैचेस लॉन्च हो गई है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर फॉर द बैचेस एंड क्लासरूम के लिए दीज आर द रेस्पेक्टिव नंबर। ऑल डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू द ऑनलाइन प्रोग्राम, मॉक टेस्ट, बुक्स आई हैव मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। और मैन्योर लॉ एंट्रेंस करके सेपरेट लॉ स्पेसिफिक चैनल है यूट्यूब पे, सो यू उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, मैन्युअल लॉ एंट्रेंस। फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड फॉर फर्दर वीडियोस आप कमेंट में लिख दो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डेफिनेटली वी विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।